अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज अपने बाग को मैं सैराब कर रहा हूँ। ये पानी मैंने छोड़ा है इसके ऊपर, ये आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि बहुत अरसा हुआ था कि इसको पानी नहीं मिला था। और आज जो है ना, मौसम भी काफ़ी अच्छा है, कल रात बारिश भी हुई थी। तो बारिश तो खैर हुई थी, मगर ज़मीन को जो है ना नहर का पानी ज़रूर देना चाहिए था कि इसमें मुख्तलिफ नमकियात होते। तो तकरीबन वो वाली जगह जो है ना, इससे आगे वो पानी हो चुका है, उसको हमने सैराब किया है, और ये जगह भी इस पे पानी हमने छोड़ा है। तो इंशाल्लाह जब ये पानी हो जाएगा, सैराब हो जाएगा, तो इंशाल्लाह इसके जो है ना नए पत्ते निकल आएंगे। तो मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ, जब हमने इसको बोया था तो इसके पत्ते नहीं थे, मतलब पत्ते थे मगर ये वाले जो है ना, अभी ये ताज़ा पत्ते हैं, ये स्प्रिंग सीज़न में मतलब निकल आए हैं ये वाले। तो माशाल्लाह पौधे लगे हुए हैं, और इस सैराब के बाद इंशाल्लाह ये और भी ग्रीन हो जाएंगे, इसको खुराक मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम इसको गोड़ देंगे, ये साइड में जो है ना, यहाँ पे हम ये घास वगैरह ये सब हटा के, तो इंशाल्लाह इसको हम थोड़ा सा जो है ना नाइट्रोपास वगैरह ये हम डालेंगे इसको, ताकि ये और भी इसकी ग्रोथ में इजाफा हो सके। तो ये वाला खेत जो है ना सारा, और इसके साथ ये वाला, और फिर उसके बाद ये जो दरख्त लगे हुए उसके बाद जो खेत है, सेम इसी इतना रकबा है, तकरीबन 8 जरब। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रकबा है, और इसके ऊपर हमने ये माल्टो का जो बाग है ऑरेंज, तो इसका हमने ये बोया हुआ है। तो आप लोग दुआ करें कि ये लग जाए, और जितना भी मतलब प्रोग्रेस होगा, ग्रोथ होगी इन दरख्तों की, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर। और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।